जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो का जो सजेशन है वो आया है सूबेदार सिंह जी की तरफ से। इनका जो प्रश्न है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये कहते हैं कि जनाब मैं आर्मी में काम करता हूँ, एक हमारा कैंप है जिसमें हम थोड़ा सा कभी टाइम मिलता है तो मौज मस्ती भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो आप कृपया करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि हम एक एक्टिव स्पीकर्स का सिस्टम लगाएं या फिर हम पैसिव स्पीकर का एक सेटअप करें। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। आपके वीडियोस देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली है और मैं आपका दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। और इन्होंने कुछ मॉडल्स भी लिखे हैं यहाँ पर, उसके बारे में मुझसे पूछा है। बट मैं आपको सूबेदार जी ये बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडल आपने मुझे बताए हैं ना, ये मैंने यूज़ कर नहीं देखे हैं। इनके बारे में मैं आपको कोई भी टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक मैंने चीज़ को यूज़ नहीं किया है ना, तो उसके बारे में मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। जो आपका मेन क्वेश्चन है कि भैया एक्टिव स्पीकर लें या फिर हम पैसिव स्पीकर्स लें, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के अंदर जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और ये है क्या एक्चुअल में और हमें कौन से स्पीकर्स लेने चाहिए, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। बिना स्किप किए आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और सेकंड, मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो तो उसे समझाने का फ़ायदा तब तक नहीं है कि जब तक कि वो बंदा खुद डिसीजन लेने के लायक ना हो जाए कि उसे एक्चुअल में करना क्या चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप ये वाले स्पीकर ले लो या वो वाले स्पीकर ले लो, आपको मैं इनकी जो बेसिक चीज़ है, जो बेस है इनका, उसके बारे में बताऊँगा, इनकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा, आपको मैं इनके एडवांटेज बताऊंगा एंड डिसएडवांटेज बताऊंगा, जिससे कि आप खुद ये डिसाइड कर सके कि आपके लिए एक्टिव स्पीकर्स ज़्यादा अच्छे हैं या फिर पैसिव स्पीकर्स ज़्यादा अच्छे हैं। वीडियो को शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरु जी, एंड ऑडियो गुरु जी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो कि एक्टिव स्पीकर्स एंड पैसिव स्पीकर्स होते क्या हैं। एक्टिव स्पीकर्स जो हैं वो अपने एम्पलीफायर पर ही काम करते हैं, यानी कि उन्हें चलाने के लिए, स्पीकर्स को चलाने के लिए जो एम्पलीफायर है वो उन्हीं के अंदर लगा हुआ हमें मिलता है। एंड पैसिव स्पीकर्स में हमें एक्सटर्नल एम्पलीफायर को यूज़ करना पड़ता है। बाकी भी फ़र्क है वो आगे चल के मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, बट जो बेसिक फ़र्क है इन दोनों के अंदर, एक्टिव एंड पैसिव के अंदर, वो ये है कि एक में आपको एम्पलीफायर इनबिल्ट दिया गया होता है और दूसरे के अंदर आपको एम्पलीफायर एक्सटर्नल अलग से लगाना पड़ता है। एंड एक्टिव स्पीकर्स में से मोस्टली दो कैटेगरीज हमें मिलती हैं। एक मिलती है हमें नियर फील्ड मॉनिटर्स और एक हमारे नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं तो KRK रॉकेट 5 जो है ये हमारा नियर फील्ड एक्टिव स्पीकर है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल एक्टिव स्पीकर्स की तो ELEC DBC-41 एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्टिव स्पीकर है जो कि नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आ जाता है। नॉर्मल से मेरा मतलब है कि ये एक नियर फील्ड एक्टिव मॉनिटर नहीं है। और इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैं फिर से आपको कहूंगा, अगर आप इस टॉपिक को सीरियसली समझना चाहते हो तो बीच में वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सभी पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे ना, तो एक पॉइंट भी अगर आपने मिस कर दिया तो मेरी मेहनत भी खराब हो जाएगी और आपको पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। तो अभी अगर हम बात करते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव स्पीकर्स के बारे में, तो इनमें क्या फ़र्क होता है, इसे जानने के लिए हमें इन दोनों की वर्किंग को देखना पड़ेगा पहले, कि ये दोनों वर्क कैसे करते हैं। पहले हम बात करते हैं पैसिव स्पीकर्स के बारे में। जो पैसिव स्पीकर्स हैं, इसमें आपको एक ऑडियो सोर्स चाहिए होता है। ऑडियो सोर्स से सिग्नल आपके प्री एम्पलीफायर में जाता है। प्री एम्पलीफायर के बाद आपका सिग्नल जाता है पावर एम्पलीफायर के अंदर, और पावर एम्पलीफायर के बाद में वो सिग्नल जाता है हमारे स्पीकर्स के क्रॉसओवर के अंदर, और क्रॉसओवर से हमारे स्पीकर ड्राइवर्स के अंदर जाता है, जिससे कि हमें आवाज़ मिलती है। बट यहाँ अगर हम बात करते हैं एक्टिव स्पीकर्स की, तो एक्टिव स्पीकर्स का जो सिग्नल पाथ है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर ऑडियो सोर्स से सिग्नल आता है हमारे प्री एम्पलीफायर के अंदर, प्री एम्पलीफायर से जो सिग्नल है वो पावर एम्पलीफायर में नहीं जाता, वो जाता है क्रॉसओवर के अंदर, क्रॉसओवर से सिग्नल जाता है पावर एम्पलीफायर के अंदर। और पावर एम्पलीफायर भी यहाँ पर दोनों फ्रिक्वेंसीज के लिए, यानी कि आप टू वे स्पीकर अगर ले रहे हैं तो उसमें दो फ्रिक्वेंसीज जा रही हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी जा रही है और एक मिड एंड लो फ्रिक्वेंसी जा रही है। तो यहाँ पर प्री एम्पलीफायर से जो सिग्नल हमारे क्रॉसओवर में गया है वो दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद पावर एम्पलीफायर में जाएगा। एक सेक्शन हमारा हाईज के लिए जाएगा पावर एम्पलीफायर में, एक सेक्शन मिड एंड लो का जाएगा दूसरे पावर एम्पलीफायर में। यानी कि यहाँ पर जो पावर एम्पलीफायर यूज होगा वो दोनों फ्रिक्वेंसीज के लिए अलग अलग यूज किया जाएगा, और उसके बाद वो सिग्नल जाता है हमारे ड्राइवर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये सिग्नल पाथ जो है आप देख सकते हो चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप खुद भी देख रहे होंगे कि एम्पलीफायर्स जो यूज हो रहे हैं वो दो हो रहे हैं, दोनों फ्रिक्वेंसीज को अलग अलग एम्पलीफायर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से
जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा सही हो जाती है, अच्छी बन जाती है। अब ये जो सोर्स की मैंने बात करी है ना, ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपका टीवी भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, आपका सीडी प्लेयर भी हो सकता है, आपका डीवीडी प्लेयर भी हो सकता है, ब्लूरे प्लेयर भी हो सकता है, या फिर कोई ब्लूटूथ अडेप्टर भी हो सकता है। अगर आप एक पैसिव सेटअप लगा रहे हैं तो ये चीजें अलग से लगानी पड़ेंगी आपको, और अगर आप एक एक्टिव स्पीकर लगा रहे हैं तो बहुत से एक्टिव स्पीकर्स के अंदर इनबिल्ट डेक भी लगा हुआ आता है और इनबिल्ट ब्लूटूथ वगैरह भी होता है, तो वो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। बट हमने जो ध्यान देना है, हमने सिग्नल पाथ की तरफ ध्यान देना है कि जो सिग्नल जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है। एंड इसी तरीके से पैसिव स्पीकर्स वाले सेटअप के अंदर हमने जो प्री एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर अलग अलग बोला है, वो जरूरी नहीं है कि अलग ही होगा, वो एक इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर भी हो सकता है जिसके अंदर प्री एंड पावर के दोनों सेक्शन एक ही एम्पलीफायर में दिए जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्री एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर, AVR, इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में होता क्या है और आपके लिए क्या सही रहेगा। सो ये तो हमें पता लग गया कि ये दोनों जो सिस्टम है ना, इनमें जो सिग्नल पाथ है, जो सिग्नल चलता है वो किस तरीके से चलता है। अभी हम बात करते हैं जिससे कि हमें पता लग सके कि इन दोनों में से कौन से स्पीकर आपके लिए सही रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्टिव स्पीकर्स के अंदर भी दो वैरायटीज आती हैं, एक हमारे होते हैं नियर फील्ड मॉनिटर्स और एक होते हैं नॉर्मल स्पीकर्स। सो अगर आप एक्टिव स्पीकर्स ही लेना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन से ले, तो इन दोनों के अंदर जो फर्क है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो नियर फील्ड मॉनिटर्स आते हैं ना, उसमें आपको जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है वो फ्लैट मिलता है, यानी कि आपको जो सिग्नल पीछे से मिल रहा है वही सिग्नल आपके स्पीकर्स में से आवाज के थ्रू बाहर निकल के आएगा, यानी कि उसमें अलग से कोई मिर्च मसाला तड़का वगैरह नहीं लगेगा। जो फ्रिक्वेंसीज पीछे से आ रही हैं, जितने हर्ट्ज पर आ रही हैं, उसको ना बूस्ट किया जाएगा ना उनको डाउन किया जाएगा, वो एज इट इज आपको सुनेंगी। सो जो बंदे रिकॉर्डिंग का काम करते हैं या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करते हैं, उनके लिए नियर फील्ड मॉनिटर्स बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि एक तो उसमें आपको जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है वो फ्लैट मिलता है। सो आपको ये पता लग जाता है कि भैया जो म्यूजिक है ना वो फ्लैट रिस्पॉन्स में ऐसा आ रहा है। अब अगर उसको कोई बूस्ट करता है, यानी कि अपने एम्पलीफायर पर चलाकर बास एंड ट्रबल को बढ़ाता है या कम करता है, तो वो कैसा हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह दूसरे स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि बास पहले ही काफ़ी तेज आ रहा हो और आप एडिटिंग के टाइम पर बेस को कम कर दें, और जब बंदा उसे अपने नॉर्मल स्पीकर्स पे लगाए तो उसको बेस मिले ही ना, तो उनके लिए ये स्पीकर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और इन्हें नियर फील्ड मॉनिटर्स बोला जाता है क्योंकि जो एडिटिंग का काम किया जाता है उसके अंदर जो सेटअप होता है वो बिल्कुल क्लोज रहता है, यानी कि एक टेबल है, टेबल पे दो स्पीकर्स लगे हैं, साथ में आप कुर्सी बिछा कर बैठे हुए हो, तो उनका जो इफेक्ट है ना वो नियर यानी कि पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जो स्वीट स्पॉट एरिया है वो काफ़ी क्लोज बनता है उसमें, आप अगर उनसे दूर चले जाओगे तो आपको आवाज़ बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगी, आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं पता लग पाएगा। और यहीं अगर आप चाहते हो कि भाई हम तो डिस्टेंस में बैठकर सुनना चाहते हैं या फिर हम तो घूमते फिरते सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल एक्टिव स्पीकर जो है वो लेना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं पैसिव और एक्टिव के डिफरेंस के बारे में कि इसमें आपको क्या लेना चाहिए। ये डिसाइड करने के लिए जो बातें हैं अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब आपने डिसाइड आप खुद करना कि आपको क्या लेना है, मुझे नहीं पता आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत कैसी है। सो ये जो डिसीजन है ये आपने खुद लेना है, ये मैं नहीं लूँगा, मैं आपको सिर्फ इनका जो फ़र्क है आपके लिए जो सही है वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं इसके डिफरेंस को। तो भाई जो एक्टिव स्पीकर्स है ना वो एक तरीके से शादी की तरह है, आपने एक बार ले लिए ना तो वो जैसी है, मतलब आपकी जो वाइफ होगी वो जैसी है, अच्छी है बुरी है जो भी वो है ना, अब आपको सात जन्म उसी के साथ गुजारने पड़ेंगे। सो जो एक्टिव स्पीकर्स है ना वो भी इसी तरीके से हैं कि आपने अगर ले लिए ना तो आप उनमें चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ एक साथ में घुसा हुआ है, आप कोई भी चीज़ अगर उसमें बदलना चाहते हैं तो आप नहीं बदल सकते हैं। बट यहाँ पैसिव सेटअप की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। आपको लगता है मैंने छोटे स्पीकर लगाए हैं तो भैया बड़े लगा सकते हो फ्यूचर में चल के, आपको लगता है यार एम्पलीफायर हल्का है तो भाई उसको बेच दो या जो भी करके एम्पलीफायर को अपग्रेड कर हैवी एम्पलीफायर लगा सकते हो, बट एक्टिव में आप ये सब नहीं कर सकते हो। एंड एक्टिव स्पीकर्स जो हैं वो एक लिमिट तक चलते हैं, यानी कि उनकी लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं, जो उनकी लाउडनेस है, जो उनकी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, वो नॉर्मल होती है कि एक लिसनर अपनी जगह पर बैठा है और उस म्यूज़िक को इंजॉय कर रहा है, वो आवाज़ आपको उसमें मिल जाती है। बट पैसिव स्पीकर्स के अंदर ये नहीं होता। अगर आप एक नॉर्मल साउंड चाहते हो तो भाई वॉल्यूम को कम कर लो, आपको थोड़ा सा धूम धड़ाका मचाना है, पार्टी शार्टी करनी है तो आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, क्योंकि पैसिव स्पीकर्स के अंदर आपको काफ़ी लाउड का ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी लाउड आउटपुट आपको उसमें मिल जाती है। बाकी रही क्वालिटी की बात, तो वो जैसे कंपोनेंट्स आप लगा रहे हो, जैसे भी एम्पलीफायर, जैसे स्पीकर्स यूज़ कर रहे हो आप, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्वालिटी कैसी मिलेगी।
और हाँ यहाँ पर ये भी है भैया कि एक्टिव स्पीकर्स आपको थोड़े सस्ते रेट में मिल जाते हैं, एक बजट के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप पैसिव स्पीकर्स का एक अच्छा सेटअप करना चाहते हो तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है, और अगर इसमें आप चाहते हो कि मैं सेपरेट की तरफ से जाऊँ, प्री एम्प अलग से लगाऊँ, पावर एम्प अलग से लगाऊँ, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। एंड मोस्टली जो एक्टिव स्पीकर्स हैं उनमें जो एम्पलीफिकेशन के लिए एम्पलीफायर्स को यूज़ किया जाता है वो क्लास डी एम्पलीफायर्स होते हैं। बट यहीं अगर आप एक पैसिव स्पीकर्स का सेटअप लगा रहे हो तो इसमें अगर आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाते हो तो इसमें आपको क्लास ए भी एम्पलीफायर्स मिलते हैं, क्लास ए भी मिलते हैं, बट वो आपके बजट पर डिपेंड करता है। जैसा आपका बजट होगा आपको उसी क्लास का एम्पलीफायर मिलेगा। अगर आप क्लासेस के बारे में भी नहीं जानते हो, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। क्लासेस के बारे में जानने के लिए उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्लासेस में क्या फ़र्क होता है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, और आपके लिए कौन सी सही है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। एंड अभी जो डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ कि पैसिव स्पीकर्स को सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें काफ़ी सारी केबल्स अलग से हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। प्री एम्पलीफायर को पावर से कनेक्ट करना पड़ता है, पावर को क्रॉसओवर से कनेक्ट करेंगे, या फिर पावर को हम स्पीकर से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें वायरिंग जो है, जो केबल्स हैं, वो काफ़ी सारी ज़्यादा लग जाती हैं हमारी, और उन्हें सेटअप करना भी पड़ता है। बट एक्टिव स्पीकर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, प्लग एंड प्ले, एक सिंपल तार आपकी एक्टिव वाले स्पीकर में से पैसिव वाले स्पीकर में चले आएगी। यहाँ पर शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाओ तो मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्टिव स्पीकर्स आते हैं उनमें भी एक स्पीकर, मोस्टली आपने देखा होगा जो एक स्पीकर होता है वो एक्टिव होता है, एक स्पीकर जो होता है वो पैसिव होता है। तो एक्टिव वाले स्पीकर में से एक सिंगल वायर निकल कर जाती है जो कि हमारे दूसरे पैसिव स्पीकर में लग जाती है, सो उसमें सिर्फ एक सिंगल वायर का यूज़ हो रहा है। बट अगर हम बात कर रहे हैं पैसिव सेटअप की, तो पैसिव स्पीकर सेटअप के अंदर बहुत सारी वायरिंग का यूज़ करना पड़ता है, जो कि कुछ लोगों के लिए सिरदर्दी भी हो सकता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। एंड एक्टिव स्पीकर्स जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है काफ़ी एक्यूरेट होती है, बट एक लिमिट तक जाकर, बट उसमें आप बहुत ज़्यादा लाउड नहीं जा सकते हो, इसलिए उसकी जो क्वालिटी है ना वो एक लिमिटेड वॉल्यूम तक काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। अगर आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हो तो आवाज़ में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है, आवाज़ फटनी शुरू हो जाती है। बट पैसिव सेटअप के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, उसमें आप आवाज़ बढ़ा भी रहे हो अगर तब भी जो पावर आउटपुट है वो आपको सही से मिलती रहती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने सेटअप कैसा किया हुआ है। सो ये फर्क होता है इन दोनों के अंदर, एक्टिव और पैसिव स्पीकर्स के अंदर। अभी अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा होगा तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि इनमें क्या फ़र्क होता है। इसी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और भी किसी बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकूँ। और उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपको मिलूँगा आप अगली वीडियो के अंदर, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।